नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी सासाराम में मैं मौजूद हूं और सासाराम का एक कार्यालय जिला परिषद कार्यालय है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था भाजपा सांसद छेदी पासवान के द्वारा, जो चार सड़कों का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा आप फ्लैश बोर्ड को दिखाया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चार सड़क का भाजपा सांसद छेदी पासवान के द्वारा शिलान्यास किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी सड़क है जो उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। मैं पथ का नाम बताने का प्रयास करूंगा। कैनाल रोड है, जो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये कैनाल रोड बनाया जा रहा है। और एक यहाँ दूसरा जो सड़क है, चंद्रकैथी से टेंगरा समहुता कुड़वा और मगजपुरा, ये दूसरा सड़क है। और तीसरा शिवसागर स्टेशन से कुनार तक, ये तीसरा सड़क का शिलान्यास किया गया। और ये चौथा सड़क है पुरानी जीटी रोड से रामपुर तक। ये चार सड़कों का शिलान्यास भाजपा सांसद छेदी पासवान के द्वारा किया गया है। आइए सुनते हैं इसके बारे में भाजपा सांसद छेदी पासवान को क्या कहना है। सर छेदी पासवान जी हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चार सड़कों का आपके द्वारा शिलान्यास किया गया है। कितनी लागत की खर्च से बना हुआ है, कौन कौन सी सड़क? चार ही PMBSY से चार ही रोड का सिर्फ शिलान्यास नहीं हो रहा है। एक रमदेरा में है, 3 करोड़ रुपए की लागत से वो बनने जा रहा है। टोटल 29 करोड़ रुपए की लागत से ये PMBSY रोड बनने जा रहा है। और PMBSY का सिलसिला शुरू हुआ है और जो भारत सरकार में गया हुआ है, फाइल पड़ा हुआ है, उसमें यहाँ से जाने के बाद हम लगेंगे और शेष काम भी होगा। लेकिन अभी आज जितना शिलान्यास हो रहा है 29 करोड़ रुपए की लागत से सारे सड़कों का। तारीख को नितिन गडकरी जी आ रहे हैं जो परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा पंडुका पुल को शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन कुछ विधायक लोग श्रेय ले रहे हैं कि यह काम मेरे द्वारा हो रहा है, क्या कहना है इसके? श्रेय कोई ले सकता है, लेकिन कॉमन बात आप लोगों को समझना चाहिए कि ये टोटल भारत सरकार से संबंधित चीज है और भारत सरकार का पैसा है। पहले 2000 करोड़ रुपया मिला था, पीएम पैकेज में आता था, उसको बिहार के मुख्यमंत्री कटवा करके, कैबिनेट डिसीजन करके कटवा के ले गए भागलपुर ले जाने का। और विक्रमशिला सेतु निर्माण के लिए डबल सेतु निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन निर्माण तो नहीं हुआ, पैसा कट के चला गया वहाँ। फिर दोबारा हम लगे हुए हैं 2019 से लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि इंटर स्टेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। दोनों तरफ सड़कों का निर्माण स्टेट गवर्नमेंट करे, पुल भारत सरकार बनवा रही है। और इससे उस इलाके के जो भी लोग हैं, टोटल इंडस्ट्री बंद हो चुका है। टोटल इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी काफ़ी है। बेरोजगारी को दूर करने को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण हम करवा रहे हैं कि कम से कम 4-5 स्टेट के लोगों से आना जाना शुरू हो जाएगा, स्थानीय लोगों का। उससे लोगों को पता नहीं चलता है, देखिए रोड हो, पुलिया हो, पुल हो, बिजली है, रेलवे लाइन है, जहाज है, आदमी ये यदि चालू हालत में हो जाता है तो आदमी का आर्थिक विकास स्वतः हो जाता है। आदमी को पता तक नहीं चलता कि हमारा विकास कैसे हुआ। तो पुल निर्माण होने से पहले ही, अभी निर्माण शिलान्यास 14 तारीख को, आप ये पता कीजिए कि वहाँ का जमीन का कीमत बढ़ गया कि नहीं। तो जमीन ले लेकर ढाबा बनवा रहे हैं लोग, काहे के लिए बनवा रहे हैं? इससे बेरोजगारी दूर होगी और जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार को ध्यान में रखते हुए सारा काम करा रहे हैं और टोटल योजना भारत सरकार से है। जो विधायक कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, जरा उनसे कुछ लिखित रूप में मांगिए कि कब पत्राचार किए भारत सरकार से। ये सब टोटल गलत बात है, ये टोटल भारत सरकार की योजना है और इसमें गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम थक चुके थे, जब पैसा काट के चला गया भागलपुर तो हम थक गए थे। उसके बाद फिर से हमको लगना पड़ा, फिर से लगने का परिणाम हुआ कि इंटर स्टेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और 14 तारीख का उसका शिलान्यास है। और सारा श्रेय हम देते हैं माननीय मंत्री को, गडकरी जी को। जैसे कि अभी आपने सुना कि सीधा सीधी तौर पे यहाँ के जो सांसद छेदी पासवान जी हैं उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि लगभग जो चार सड़कों को उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है, लगभग 29 करोड़ लागत रुपए खर्च से ये सड़क का शिलान्यास किया गया है। जब मैं उनसे पंडुका पुल के बारे में पूछा कि 14 तारीख का कल, यानी कि कल जो पंडुका पुल का शिलान्यास होने वाला है, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा 14 तारीख को पंडुका पुल को शिलान्यास किया जाएगा, और मैं उनसे बात किया तो उस पर भड़कते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने सीधा सीधी तौर पे कहा कि कोई भले ही श्रेय लेना चाहे मगर ये भारत सरकार के द्वारा ये पंडुका पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसमें अहम भूमिका हमारे भारत के जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उनका श्रेय जाता है।
तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।